हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, अभी बज रहे होंगे शाम के 6:30 और यहाँ पर मैं टहल रही हूँ आगे, क्योंकि इस टाइम ना माही के पापा, मतलब अद्विक और माही के पापा सो रहे होते हैं। और फिर मैं थोड़ी देर टहलती हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद मेरे काम स्टार्ट हो जाते हैं। और अद्विक और माही अंदर खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर टहल लेती हूँ, नहीं तो अद्विक ना बीच बीच में करता है और मुझे वॉक भी नहीं करने देता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बाहर आ जाती हूँ अगर वो खेलते रहते हैं तो। और हाँ, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि आपकी कार कौन सी है, तो अभी मैं कार तो आपको दिखा नहीं सकती हूँ, मतलब उस पर वो क्या बोलते हैं तो कवर डाल दिया है। मैं अभी टहल रही थी ना, तो मुझे एकदम से याद आया कि यार ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो फाइनली इसका आंसर कर देती हूँ मैं। तो एक्चुअली मेरी जो कार है वो टाटा की टिगोर है, और माही बाहर आ गई, अद्विक भी बाहर आ गए, तो ये देखिए बच्चे आ गए हैं बाहर, अरे अंधेरा हो गया। तो टाटा की टिगोर है, और अपने कार का कलर तो देख ही लिया है और कार भी देख ही ली है। कार का नाम आपको नहीं पता था, टाटा की है ये भी आपको पता होगा, बट कार का नाम नहीं पता था। तो टाटा की टिगोर है, टाटा की टियागो भी इसी तरह से आती है, टियागो का भी सेम ही डिज़ाइन है, बट थोड़ी सी टिगोर जो है वो लंबी होती है टियागो से, तो इसीलिए हमने ये ली थी। थोड़े से दिखने में भी अच्छी दिखती है, थोड़ा प्राइस भी ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पर ये पता नहीं क्या आ गया है, ये पिंपल नहीं है, ये ना मतलब हीट की वजह से आता है, हमारे यहाँ पे घाम बैंड बोलते हैं उसे, पता नहीं ये क्या आप लोगों की साइड में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो नहीं पता मुझे, बट ये ना बड़ा सा आता है, मतलब पिंपल एकदम छोटा सा होता है। किसी किसी को बड़े बड़े पिंपल भी आते हैं, बट मुझे बड़े पिंपल नहीं आते, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब घाम बैंड जो होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है, बट ये इतना आया है मुझे। और ये किस चीज़ से आया है ये भी बता देती हूँ, ये आया है उस दिन मैंने मैंगो खाए थे, और वो भी मतलब एक दो मैंगो से नहीं आता है, बट अगर ज़्यादा मैंगो खा लेते हो आप, तो मैंने खाए थे उस दिन 4 से 5 मैंगो पूरे दिन में, तो इसी वजह से वो हीट की वजह से आ गया है। और हीट जब बढ़ जाती है ना तो बहुत टेंशन हो जाता है, वैसे भी मुझे ना हीट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वैसे मुझे ना समर बिल्कुल सूट नहीं होता है, ये जो सीज़न है समर का, मतलब अभी जो वेदर हो रखा है ना बहुत अच्छा हो रखा है, तो ये मुझे अच्छा लगता है। समर में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, समर मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे ना मानसून सीज़न बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को विंटर पसंद है, बट मुझे मानसून पता नहीं क्यों, मुझे मानसून ही अच्छा लगता है। और जब बारिश स्टार्ट होती है ना, तो मुझे लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इनसे बहुत बार बोलती हूँ। और हाँ, वो भी लॉन्ग ड्राइव कैसे, टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर में नहीं, फोर व्हीलर में लॉन्ग ड्राइव का मज़ा नहीं आता है, टू व्हीलर पे निकल जाओ बाहर और घूमते रहो, मस्त मज़ा लो, बारिश का अच्छा लगता है मुझे, तो ये मौसम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मेरा जो फेवरेट सीज़न है वो स्टार्ट होने वाला है, मतलब स्टार्ट हो ही गया है लगभग समझ लो। तो चलिए फिर थोड़ी देर वॉक करती हूँ और उसके बाद अंदर जाती हूँ, काम में लग जाती हूँ अपने, थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है इस टाइम, इसी वजह से वॉक कर लेती हूँ। कुत्ते भौंक रहे हैं, आवाज़ आ रहा होगा पीछे से, तो क्योंकि यहाँ पर खुला थोड़ा सा मैदान है ना, तो यहाँ पर आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है ऐसे, तो इधर उधर से ज़्यादा घर नहीं है, बहुत कम घर है यहाँ पे, नई कॉलोनी है तो इसीलिए बहुत ही कम घर है यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के घर है यहाँ पे, तो इसीलिए आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा गूंजती, जैसे पंछियों की आवाज़ हुई या किसी भी चीज़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है। तो चलिए अंदर जाती हूँ, थोड़ी देर वॉक करती हूँ और फिर अंदर जाती हूँ, काम में लग जाती हूँ अपने। अद्विक देखो अभी नींद से उठा है, उसके पापा के साथ सोया था वो। शर्टिंग कर रहे हो अद्विक, चैन भी लगा रहे हो, चैन लगी हुई है उसकी, उतनी ही है उसकी चैन अद्विक, अद्विक उसकी चैन उतनी ही है, लगी हुई है बेटा, हाँ लगी है। अद्विक सो के उठा है अभी, है ना अद्विक, अद्विक फ्रेश लग रहा है ना बेटा, माही भी है यहाँ पे सो के उठी है अभी भी, नहीं माही तो सोई नहीं थी है ना आप, अच्छा अच्छा पढ़ाई कर रही थी आप, अच्छा माही का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है ना, तो इसी वजह से पढ़ाई कर रही थी माही। अच्छा उल्टा लगा रहे हो अद्विक, ये आगे से होता है, एक मिनट ये आगे से, हाँ रुको, अच्छा अरे वाह आ गए आपको तो। और ये यहाँ पर है, इन्होंने शू मंगाए थे, हाँ इनके ड्यूटी के लिए, हाँ ड्यूटी के शू है ये, निकाल दिए पापा ने, चाहे था ना
ये पार्सल यहाँ पर क्यों रखा फिर? एक्शन के शू मंगाए थे ड्यूटी के लिए, निकाल दिए, आज पहन के गए थे लगता है ये पापा, है ना? कोई नहीं, देखो घर पे सोए है पापा। ड्यूटी मैंने बोला ड्यूटी पहन के गए थे पापा ये वाला शू आज। अभी गए नहीं, अभी गए नहीं, ये नहीं बोला मैंने अभी गए है, मैंने बोला ड्यूटी पहन के गए थे आज इसको पापा। ना उल्टा लटकाना पड़ता है अभी आपको भी उल्टा शर्ट उल्टा लटकाना आपको भी मेरे साथ उल्टा लटकाना है, मतलब आपने मान लिया कि आपको उल्टा लटकाना है। हाँ। बार बार पैंट को ही दिखता है। हाँ। एक बार हाय बोल दो बेटा। हाँ। अद्विक एक बार हाय बोल दो। हाय। माही आप भी बोल दो बेटा। हाय। अद्विक। हाय। बच्चों के खेलने का टाइम हो गया था तो वो खेल रहे थे यहाँ पे, तो उसका ना अद्विक का बिल्कुल उसके दीदी के बिना होता भी नहीं है और झगड़ा भी बहुत करते हैं ये दोनों, मतलब इतना झगड़ा करते हैं कि आपको क्या बताओ। अद्विक का ना ऐसा है कि जो चीज़ माही ने ली उसे वही चीज़ चाहिए। अभी देखना आप, जैसे वो जा रहा है पहले बोल रहा था कि ये साइकिल लूँगा और अभी माही ने वो ली गाड़ी तो बोल रहा है कि अभी वो लूँगा, तो और बेचारी माही फिर वो चीज़ उसको दे देती है और हम भी उसको समझाते हैं कि जाने दो, उसको समझता नहीं है, छोटा है, तो वो भी समझ जाती है। तो इसी तरह से इन दोनों की मस्ती चलती रहती है। और यहाँ पर इन्होंने ये खीरा और फूल गोभी और क्या बोलते हैं पपीता लाया था। एक्चुअली अभी थोड़ा सा डाइट वाइट का मैं बोल रही हूँ ना इन्हें कि नहीं मैं मुझे डाइट करनी है, डाइट करनी है, तो इसीलिए ये कुछ चीज़ें ला के दे रहे हैं। और बट जो मिल रही है उन्हें, मतलब जब ड्यूटी से आते टाइम जो मिल रही है वही चीज़ें वो ला के दे रहे हैं। एक्चुअली वो भी क्या कर सकते हैं, उनका भी ड्यूटी बहुत सुबह जाते हैं और उसके बाद वो आते हैं तो सारे मार्केट बंद हो जाता है, जो भी मिलता है उनके हाथों में जो भी दिखता है वो लेके आते हैं फिर, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके आते हैं ना, तो फिर वॉश करने में भी इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। वॉश कर लेती हूँ, उसे सुखाती हूँ, डेली का ही हो गया है ये। अभी जो भी चीज़ लाते हैं वो वॉश करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, उसमें अगर पत्ते वाली सब्जी हो तो तोड़ के रखना पड़ता है, अगर नहीं हो तो फिर वैसे ही सूखने के बाद फ्रिज में रख देनी पड़ती है। तो ऐसे डेली का ही हो रहा है ये, और आपके घर में भी हो रहा होगा, मेरे घर में कुछ नया नहीं हो रहा है क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है अभी कि क्या कर सकते हैं, ये तो प्रिकॉशन लेने ही पड़ेंगे। और हाँ बस यही क्या बोलते हैं धनिया पत्ता लाया था तो वो तोड़ के रख दे रही हूँ, क्योंकि धनिया पत्ता ना एक दिन छोड़ के ये लेके आते हैं तो धनिया पत्ता बहुत ज़्यादा लगता है यार, मतलब जितना ज़्यादा धनिया पत्ता डालो ना सब्जी में उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और कोई चीज़ अगर बनाओ, मतलब जैसे कि ब्रेकफास्ट के लिए या कुछ चीज़ें बनाओ ना, तो उसमें ज़्यादा धनिया पत्ता रहा ना तो अच्छा लगता है। और कभी कभी मैं चटनी भी बना लेती हूँ जैसे ग्रीन चटनी, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा धनिया लगता है, और इस टाइम ना ग्रीन चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं बहुत बार सैंडविच में लगा के खाती हूँ। आप लोगों को पता ही, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो सैंडविच में ग्रीन चटनी लगा के खाती हूँ, तो वैसे करती हूँ। और ग्रीन चटनी की रेसिपी अगर चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मेरे यहाँ पे पुदीना भी है, घर पे ही गार्डन में पुदीना है, तो उसमें से पुदीना तोड़ लेती हूँ और ग्रीन चटनी बना लेती हूँ। तो बहुत सिंपल सी चटनी है, ग्रीन चटनी बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, तो वो कोई मतलब इतनी ज़्यादा रेसिपी तो हार्ड नहीं है उसकी, बट फिर भी जैसे बनाती हूँ कभी शेयर करूँगी आपके साथ भी, जिससे पहले भी शेयर की, बट पता नहीं वो व्लॉग आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है, मतलब न्यू सब्सक्राइबर ने, तो इसीलिए। और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने डिनर के लिए, और ना आजकल मैं अपने डिनर के लिए कुछ अलग बना रही हूँ, कभी ओट्स खा लेती हूँ कभी कुछ तो कभी कुछ, तो ऐसे आज ये चीला बना रही थी ओट्स का, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने चॉप अनियन लिए है, उसके बाद एक टोमेटो चॉप कर लिया है, उसके बाद एक जो ग्रीन चिली है वो चॉप कर रही हूँ, और धनिया पत्ता लिया है तो वो चॉप कर लूँगी, तो ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी। और हाँ, आप लोगों ने डाइट स्टार्ट की है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं की है तो मेरे साथ डाइट करने लग जाइए, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी रेसिपी। अगर किसी ब्लॉग में नहीं शेयर कर पाई तो आप वही रेसिपी रिपीट कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि ये जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ये रेसिपी वेट लॉस रेसिपी है, और ये आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो और डिनर पर भी खा सकते हो। तो ये जो रेसिपी है मतलब दोनों टाइम आप खा सकते हो, दोनों टाइम मीन्स दोनों में से एक टाइम कोई भी टाइम आप खा सकते हो ये। तो ये जो है मैं यहाँ पर ओट्स भून ले रही हूँ अभी, इसे ओट्स को भून लेना है आपको, और उसके बाद मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी, इसका पाउडर बनाना है। तो भूनना एकदम ब्राउन नहीं भूनना है आपको, हल्का सा भूनना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद इसका पाउडर अच्छे से बन जाए। तो इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी आपको कि
ये जो है मैं डिनर में खाने वाली हूँ। एक्चुअली डिनर में ना एक ही एक चीज़ खा खा के बोर हो जाता है, तो मैं ब्रेकफास्ट रेसिपी कभी कभी डिनर में खा लेती हूँ, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो ब्रेकफास्ट में खाता है तो वो डिनर में खा सकते हैं हम लोग। तो ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो ये आप डिनर में खा सकते हो, जो भी मैं आपके साथ अभी शेयर किया करूँगी डेली व्लॉग में। और हाँ, बट मैं ना ऐसे एकदम स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर रही हूँ, मतलब एकदम जो होता है कि नहीं मुझे तुरंत कम करना है, मतलब वेट तुरंत कम करना है, ऐसे स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर रही हूँ, और कर भी नहीं सकती हूँ, अभी हो भी नहीं हो पाएगी मुझसे। और पहले ना मैंने जब जिम ज्वाइन की थी उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट की थी, उस टाइम मेरी पूरी नॉनवेज ही डाइट थी। तो क्या होता था कि यार नॉनवेज डाइट करने से क्या होता है कि हमें हमेशा वो डाइट नहीं कर सकते हम लोग, मतलब रेगुलर में जो डाइट कर जाते हैं ना, तो वही डाइट करनी चाहिए, तो इसीलिए वो हमेशा नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इस बार वेज डाइट करते हैं, और वेज डाइट करके ही मैं अपना वेट लूज़ कर सकती हूँ, तो धीरे धीरे कम होगा, बट वही मैं करने वाली हूँ अभी। और हाँ, आप भी करना मेरे साथ, जो भी मैं करूँगी अभी आपके साथ शेयर तो करूँगी ही, तो आप भी करना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब पता तो चले कि यार हो रहा है या कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ओट्स जो है मैंने भून लिए है, उसके बाद मैंने उसका पाउडर बना लिया है, और हाँ मैंने उसमें 2 चम्मच बेसन भी डाला था। तो और बेसन डालने के बाद मैं यहाँ पर कर्ड डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर कर्ड लिया है दही, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और नमक तो मैंने पहले ही ऐड किया था जब वेजीज ऐड किए थे। तो और आप आपके पसंद की वजह से ऐड कर सकते हो इसमें, और भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे यहाँ पे नहीं थे इसी वजह से ऐड नहीं किए। हाँ गाजर था, बट मुझे नहीं करना था इसमें ऐड गाजर, क्योंकि मुझे ना पता नहीं ऐसी चीज़ों में गाजर पसंद नहीं आता है, तो इसी वजह से गाजर नहीं मैंने ऐड किया। मुझे सलाद वगैरह में गाजर अच्छा लगता है, बट इस चीज़ों में नहीं। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, और पानी ना ये बहुत जल्दी सोख कर लेता है, मतलब ओट्स डाले ना हमने इसमें, तो इसी वजह से पानी जल्दी सोख कर लेता है। तो थोड़ा सा पानी आपको ज़्यादा ही ऐड करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम से नहीं ज़्यादा ऐड करना है। और ना मैं बताना ही भूल गई बातों बातों में कि मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ, तो मैं इसका चीला बनाने वाली हूँ। एक्चुअली जैसे बेसन का चीला नहीं बनता है या उत्तपम बनता है, वैसे मैं इसका चीला बना ली हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार अच्छा नहीं लगेगा, बट डाइट करते हो तो आप डाइट का मतलब आपको थोड़ा सा टेस्ट को मारना पड़ेगा, आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगी जैसे होटल वाली टेस्ट मिलती है, या अच्छी अच्छी चीज़ें खा के जो खाने का मज़ा आता है, वही वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, थोड़ा सा टेस्ट को मारना पड़ेगा, ये दिमाग में रख के करना पड़ेगा कि यार हमें पेट भरने के लिए खाना है, सिर्फ कुछ भी खाओ, मतलब टेस्टी हो या नहीं हो, सिर्फ पेट थोड़ा सा भरना चाहिए बस। तो यही करोगे तो आप डाइट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और ना मैं कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, अगर मेरे लिए कोई वेट लॉस रेसिपी बना रही हूँ तो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ कोकोनट ऑयल, और ये निर्मल का कोकोनट ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, और ये प्योर कोकोनट ऑयल है। और आप लोगों को पता ही होगा अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, अगर नए सब्सक्राइबर हो तो उन्हें नहीं पता होगा कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग के लिए, तो उनके लिए बता रही हूँ। और मैं ना ये जो रिफाइंड ऑयल होता है वो नहीं यूज़ करती हूँ अगर वेट लॉस करना हो तो, बीच में यूज़ करने लगी थी अपने लिए, बट ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी मैं दोबारा से मैंने स्टार्ट कर दी है, तो मैं वही यूज़ करूँगी अभी। तो ये कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। इसे परचेस करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और थोड़ा सा ही लगता है, थोड़ा सा मैंने डाला है नॉनस्टिक तवे पे, और उसके ऊपर ये चीला बना दिया है। अभी इसको क्रिस्पी होने तक वेट करेंगे, मतलब ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं इसे, थोड़ा सा देखा मैंने इसको ट्राई करके निकलेगा या नहीं, तो बट नहीं निकला था, तो इसी वजह से थोड़ी देर अभी क्रिस्पी होने देंगे, और उसके बाद वो ऑटोमेटिक ग्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस इस तरह से मैं चीला बना लूँगी अपने लिए, मतलब सारे चीले बना लूँगी, और एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि ना मैं खाने लगती हूँ ना तो बच्चे भी मेरे साथ खाते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ, उनके लिए भी बना देती हूँ, तो और अच्छा भी है, मतलब हेल्दी है तो अच्छा भी है ये खाना, तो इसीलिए मैं उनको मना नहीं करती हूँ, मेरे साथ खा लेते हैं बच्चे भी, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर 3-4 चीले होंगे इसके, एक्चुअली मुझे तो 2 ही लगेंगे, 2 बच्चे खा लेंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया था। और हाँ, आप अगर आपके पास ओट्स है तो आप ओट्स को पहले ही मतलब रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख दे सकते हो, तो आपको बार बार झंझट नहीं पड़ेगी। बहुत सारी रेसिपी में ओट्स का पाउडर लगेगा अभी, तो इसीलिए मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, इसके बाद ओट्स का पाउडर बना के रख देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही, उसको तड़का लगाया है जीरा और क्या बोलते हैं राई और क्या बोलते हैं तो मिर्ची का, और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है, काला नमक ऐड किया है, और वही दही लिया है।
तो मैं दही के साथ ही ये खाने वाली हूँ चीला। और आप ना ये ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो, टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हो, और क्या बोलते हैं मूंगफली की चटनी के साथ भी खा सकते हो, और नारियल की चटनी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है इसके साथ खाने के लिए। तो आप बना सकते हो ऐसे अलग अलग तरह की चटनीज और उसके साथ ये खा सकते हो। तो मैंने आपको दिखा दी मेन रेसिपी, आप उसके साथ क्या खाना है आप डिसाइड कर सकते हो, बट फैटी नहीं होना चाहिए। तो बस इसके साथ ही मैं सारे चीले बना लूँगी इसी तरह से। और एक चीला थोड़ा सा पहला ना, कोई भी डोसा हो या उत्तपम हो या कुछ भी हो, तो पहला थोड़ा सा हार्ड ही जाता है, फिर एक बार आदत हो जाती है तवे पर डालने की तो वो अच्छे हो जाते हैं, बन जाते हैं अच्छे। फिर उसके बाद तो थोड़ा सा वो चिपकने लगा था, उसके बाद के नहीं चिपके, बहुत अच्छे बने उसे उसके बाद। तो ऐसे होता है, पहला वैसे ही होता है, उसके बाद के अच्छे बन जाते हैं। तो इस तरह से मैं सारे चीले बना लूँगी और बहुत टेस्टी भी लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि टेस्ट में ख़राब लगेंगे या कुछ डाइट कर रहे हैं तो ऐसा पेट नहीं भरेगा। पेट तो बहुत जल्दी भर जाता है क्योंकि इसमें ओट्स होते हैं, तो ओट्स में फाइबर ज़्यादा होता है, इसी वजह से पेट जल्दी फुल हो जाता है ओट्स वाली कोई भी चीज़ खाते हैं। और हाँ, ओट्स जो मसाला ओट्स होते हैं वो डिनर में खा खा के भी बोर हो जाते हैं, तो ऐसी कुछ नई रेसिपी ट्राई करते हैं तो वो खाने में भी अच्छी लगती है और फिर क्या बोलते हैं तो बोर भी नहीं होते हैं हम लोग उससे। तो इस तरह से थोड़े से क्रिस्पी बना लेने हैं आपको चीले और फिर उसको सर्व करने हैं। कौन कौन मेरे साथ डाइट करने वाला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर चलिए अभी ये खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस, कल का ही ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया, तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे घर पे ना सडनली गेस्ट आ गए थे, इसी वजह से मैं ब्लॉग को कंटिन्यू भी नहीं कर पाई और उसे एंड भी नहीं कर पाई, तो इसीलिए कल ब्लॉग नहीं आया था। और कल बर्थडे भी थे किसी के, तो वो भी मैं विश नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए मैं आज विश कर देती हूँ आपको जिनके बर्थडे थे। और सॉरी उसके लिए कि मैं आपको कल विश नहीं कर पाई, थोड़ा सा लेट हो गया है, एक दिन लेट हो गया है, फिर भी आप समझ जाइएगा। तो रुचिका डोंगरे ने कमेंट की थी कि उनके फियांसे का बर्थडे है कल, फियांसे का नाम है संदेश, तो हैप्पी बर्थडे संदेश जी, बट बिलेटेड हैप्पी बर्थडे संदेश जी, और आपकी लाइफ में आपको सारी खुशियां मिले और रुचिका के साथ आपकी आगे की लाइफ बहुत ही अच्छे से जाए। और मंजू नूले ने कमेंट की थी कि उनके बेटे का बर्थडे है, तो उनके बेटे का नाम है अगस्त्या, तो हैप्पी बर्थडे डियर अगस्त्या, मतलब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे डियर अगस्त्या, और आपकी भी लाइफ आगे की बहुत ही अच्छे से जाए और आपको सारी खुशियां मिले आपकी लाइफ में। चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक करना मत भूलेगा। और आप लोग इतनी रिक्वेस्ट करते हो मुझे छोटी बहन समझ के या बड़ी दीदी समझ के, आपकी रिक्वेस्ट तो मैं पूरी कर देती हूँ, आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी नहीं करते हो, आपको सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि लाइक कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, बट आप लाइक नहीं करते हो, तो सिर्फ लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।